नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सुरजेवाला मेरे बड़े भाई हैं, कुरुक्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाने पर मुझे तनिक भी ऐतराज नहीं है। जुबान पर आया नवीन का दर्द, बोले युवा उद्यमियों को राजनीति में चुकानी पड़ती है बड़ी कीमत। अब देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल के कलायत स्थित प्रजापति धर्मशाला परिसर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार गतिशील रहेगा। हरियाणा में शुरू हो रही कांग्रेस परिवर्तन रैली पार्टी नेताओं की एकजुटता का प्रमाण पेश करेगी। हालांकि विरोधी दल स्वयं ही हवा बनाने के लिए कांग्रेस में गुटबाजी का प्रचार करते आए हैं। इस मिथ्या को देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरे बड़े भाई हैं और वे राजनीति में बेहद कुशल हैं। यदि पार्टी कुरुक्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो जिंदल एक कर्मठ कार्यकर्ता की भांति कार्य करेंगे। जिंदल ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता ने 10 वर्ष उन्हें निरंतर लोकसभा में भेजने का कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने हर वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया है। जबकि 2014 लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र से जो सांसद चुनकर आए, उन्होंने भाई और भाई से लड़ाने और जगह जगह पर आग लगाने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर बहुत सी कमियां हो सकती है, लेकिन हर कोई इस बात से भी भली भांति का वाकिफ है कि दूसरों में से 100 गुना खरा हूं। नवीन ने कहा कि देश का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि युवा उद्योगपति राजनीति में आने से दूसरी दूरी बनाते हैं। इसके बावजूद भी संसदीय क्षेत्र से तस्वीर बदलने के लिए तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए राजनीति में आए थे। संबोधन के समय वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सियासत में मैंने कितने दुख झेले हैं और क्या क्या कीमत चुकाई है, इनका उल्लेख सहज नहीं है। हालात चाहे कुछ भी रहे हों, 36 बिरादरी उनके साथ डटे रही है और वे भी उनके साथ डटे रहेंगे। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। वो अपने आप को वो पांडव ही बताएगा, कोई अपने आप को कौरव नहीं बताना चाहता। इतनी तो समझ सब में होती है, लेकिन ये समझ जो है जनता के अंदर होनी चाहिए कि जनता जो है इस बात का निर्णय ले कि कौन कौरव है और कौन पांडव है, कौन उनके हक की लड़ाई लड़ता है और कौन जो है सिर्फ अपने हकों के लिए और अपने को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये जनता को देखने की बात है। बीजेपी ने टिकटों का जो वितरण किया है उसमें कुछ बुजुर्ग नेताओं को टिकट काट दी गई है, इसमें कुछ खलबली मची हुई है और कांग्रेस के भी इसमें बयान आए हुए हैं कि बुजुर्गों का बीजेपी मान सम्मान नहीं करती। देखिए, ये कोई भी राजनीतिक दल वो क्या चीज़ देख करके और टिकट देता है ये उनका, मैं दूसरों के कामों के अंदर मैं ना उनकी नुक्ताचीनी करना चाहता, मैंने ना कभी करी है ना मैं किसी की करना चाहता। हम तो अपनी पार्टी के बारे में अपने काम को जो हमने किया है हम उसका बताना चाहेंगे आपको। लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही है, सबसे पहले कि आपका एजेंडा क्या होगा? देखिए, अभी चुनाव कौन लड़ेगा कुरुक्षेत्र से वो अभी तक जो है तय नहीं है, वो पार्टी तय करेगी और जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसके हिसाब से जो है हम काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो पिछले जब 10 साल जब यहाँ पे हमारी सरकार रही, 10 साल मैं यहाँ से सांसद रहा, हमने हर क्षेत्र में काम किया, हर वर्ग की भलाई के लिए हमने बहुत काम किया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे जो है हर दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए हर क्षेत्र में हमने बहुत काम किया और आगे हमें जनता मौका देगी उसी तरह से, उससे ज़्यादा हम काम करके दिखाएंगे। नवीन जी, 26 मार्च को परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है, आपके फरीदाबादी क्या एक गुटबाजी का शिकार हो गई कि जो हम गुरुग्राम परिवर्तन करना पड़ा में? 26 तारीख से कांग्रेस पार्टी की पूरे राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर परिवर्तन यात्रा चालू होगी और 28 तारीख को जो है कलायत में भी परिवर्तन यात्रा जो है यहाँ से गुजरेगी और इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हरियाणा का जो है सब एकजुट है और सब जो है एकजुट होकर के पार्टी के लिए और पार्टी के माध्यम से देश के लिए एकजुट होकर के काम करेंगे। नवीन